वृश्चिक राशि वालों नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके रोने के दिन समाप्त हुए, इस वीडियो को अकेले में देखना। ओके, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो होने वाला है, इस घटना को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। यह चमत्कारी घटना हर हाल में होकर रहेगा। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आप सभी का जीवन बिल्कुल ही राजा की तरह बन जाएगा। दोस्तों, अब आप पहले से 1000 गुना अच्छी जिंदगी जीने वाले हो, क्योंकि आपके ऊपर यह एक देवता का आशीर्वाद है और यह देवता पिछले कई समय से आपके आसपास है और आपके आसपास है। जी हां मेरे दोस्तों, और अब आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आपके सारे अच्छे कर्मों का फल आपको देंगे और आपके सारे दुश्मन का विनाश होने वाला है। अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले कई शुरू से आपके जीवन में कुछ शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, बाहर का दुश्मन हो तो इंसान लड़ लेता है, लेकिन असली दुख तब होता है जब पता चले कि आपका दुश्मन आपके घर में ही छुपा है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बताएं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन लोग आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आपके आसपास इन 3 लोगों ने कुछ ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि अब आपकी जान भी बच पाना बहुत मुश्किल है। यह दोस्त लोग आपके अपने ही हैं और एक बार आया है, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं और आपको इनके विषय में कोई भनक भी नहीं है यह कौन है। लेकिन ये तीनों आपसे सख्त नफरत करते हैं और आपको पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं। दोस्तों, इन 3 लोगों ने आपके ऊपर कई तरह की तांत्रिक क्रियाएं करवा रखी है, जिसकी वजह से आपके जीवन में हर प्रकार की तकलीफ और परेशानी है। अब ऐसे में यदि कोई आकर आपसे यह कहता है कि आपके जीवन में एक खुशखबरी आने वाली है, अच्छी घड़ियां आने वाली है, आपको खुशखबरी का, अच्छी घड़ियों का कोई भी आनंद प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि आप पहले से ही बंधन में हैं। आपके ऊपर पहले से ही कई प्रकार की काली तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं। यह दोस्ती हम आपको आगे वीडियो में इस बात का पुख्ता प्रमाण भी देंगे कि कैसे आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं की गई है। साथ ही साथ हम इन तीनों हम इन तीन लोगों के बारे में आपको पूरी जानकारी विस्तार से देखें, इनके नाम बताएंगे और यह कहां मिलेंगे। आपको यह दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इनके बारे में पूरी तरह से अनजान हैं। आपको यह जानना बहुत आवश्यक है ये 3 और लोग कहां हैं और आपके ऊपर क्यों ऐसी ऐसी क्रियाएं करवा रहे हैं। आखिर कौन सी वह बात है इसकी आपके पीछे पड़े हुए हैं, आखिर चाहते क्या हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आपके पीछे यह 3 लोग कोई आज से नहीं पड़े हैं, पिछले 5 सालों से यह आपके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से इन्होंने आपके ऊपर अपना शिकंजा मजबूत कर दिया है। आपकी हर एक खुशी इन्हें सहन नहीं होती है। दोस्तों को आपके ऊपर इनकी तीखी नजर है, ये आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। पिछले 15 से 20 दिनों में जो आपके जीवन में घटनाएं घटी हैं, जो उतार चढ़ाव चलाई है, उसका इन्हीं 3 लोगों की देन है। उन्होंने अपनी तांत्रिक क्रियाओं की शक्ति और बढ़ा दी है और आपकी जीवन पर अब बहुत बड़े खतरे बढ़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, यदि आप ना जागे और आपने कोई कार्यवाही नहीं की, कुछ उपाय या फिर बचने का कोई सुरक्षा कवच तैयार नहीं किया, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी जान भी जा सकती है। वैसे आपका जीवन पूरी तरह से तहस नहस बर्बाद तो हो ही जाएगा, नर्क के समान आपका जीवन हो ही जाएगा, और इसके संकेत आपको अभी इस लिख 15 से 20 दिनों में मिलने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, आपके बनते हुए काम ही करते चले जा रहे हैं, अचानक ही आपके मन में इतनी नकारात्मकता आ जाती है कि आपका अपने ही काम को करने का मन नहीं होता है। दिन भर आपके ऊपर आल्हा भी रहता है और आप इस शरीर में और आपके घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का रोग बीमारी लगी ही रहती है। ये दोस्तों संकेत, और भी बहुत सारे, हम सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे, इसका पूरा का इलाज भी बताएंगे। आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है दोस्तों, और गलती से भी इसे मजाक मत समझ लेना, अन्यथा आप अपने जीवन को स्वयं अपने हाथों से आग लगा देंगे। दोस्तों, एक बात आपको हम बता दें, अधूरा ध्यान हमेशा 2 धारी तलवार के समान होता है ना, उस ध्यान से कोई काम बनता है
बल्कि वह ज्ञान अपने मालिक को ही काट डालता है। तो ऐसी दोधारी तलवार से आपको बचना है। वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको ज्ञान भी पूरा प्राप्त हो और आप अपने जीवन को बदल पाए, बचा पाए ऐसे खतरनाक चांडाल लोगों से। दोस्तों, जी हां दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें, कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली रक्षा करो लिखना ना भूले, और एक बार नहीं 3 बार लेकर दोस्तों, मां भद्रकाली कि यदि आपके ऊपर कृपा आ जाए, दया दृष्टि आ जाए, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की काली या खतरनाक तांत्रिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, आपका जीवन सुंदर और सुंदर होता चला जाएगा, तो बस हम भी मां से कामना करेंगे कि आपके जीवन में खुशहाली भर दे और माता की कृपा आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन कमेंट में आओ, आपका पूरा होना चाहिए, माता को याद करते हुए लिखना चाहिए और सच्चे मन से लिखना चाहिए, एक बार नहीं 3 बार लिखना। दोस्तों के साथ ही साथ यदि चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब अवश्य कर देना, बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबा देना। दोस्तों यकीन मानिए, हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आपका जीवन सुंदर और सुंदर पता चला जाए और आपके जीवन से कष्ट परेशानियां करती चली जाएं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे परिवार के सदस्य तो बनेंगे ही, साथ ही हमें लाखों करोड़ों का मनोबल भी देंगे ताकि हम और मेहनत से आपके जीवन को बदलने का प्रयास करें। अब बात करते हैं आपके जीवन के बारे में, लेकिन दोस्तों इससे पहले हम आपको बता दें कि कुछ लोग इस तरह के विचार रखते हैं, आप हमारे जीवन को बदलने वाले कौन होती है। तो दोस्तों, ऐसे मूर्ख लोगों को केवल हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम आपके जीवन को नहीं बदल रहे हैं, आप स्वयं ही अपने जीवन को बदल लेंगे। हम तो केवल अपने ज्ञान के आधार पर, वर्षों की तप के आधार पर आपको एक उचित उपाय देते हैं, एक जरूरी क्रिया बताते हैं, लेकिन उस उपाय और क्रिया को करना तो आपको ही पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप करेंगे तो आपका जीवन बदलेगा और नहीं करेंगे तो नहीं बदलेगा। लेकिन इस बीच में कुछ कुतर्की और बुद्धिहीन लोग हमारे समाज में अवश्य ही आ जाते हैं, जो कि हर अच्छे काम में बाधा डालने का कार्य करते हैं, और ऐसे ही बुद्धिहीन और कुतर्की लोगों से आपको बच कर रहना है। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं, आप यदि हमारी द्वारा बताई गई बातों को अच्छा सही मानते हैं और पूरी तरह से जो हम उपाय बताते हैं उन्हें सच्चे मन से करते हैं, तो आपका जीवन 100% बदलेगा। दोस्तों, अन्य हजारों लोगों का बदला है तो आपका कौन सा विशेष जीवन है? सबका जीवन जैसा है वैसा ही आपका भी है, सबका बदलेगा, आपका भी निश्चित तौर पर बदलेगा, बस भाव होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, भाव के ऊपर आपको हमें उदाहरण कि भाव की शक्ति कितनी अधिक होती है कि मानकर चलिए कि एक इंसान भरत रहता है, उपवास रहता है, और वही यह मानकर उपवास रहता है कि वह भगवान की भक्ति करेगा और कब खरीदा था और पूरे दिन कुछ भी नहीं खाएगा पिएगा, और यही उसकी तक है भक्ति है भगवान के लिए, तो इससे उसे कितने अच्छे फल प्राप्त होगी कि उसके पास जितनी भी कम होगी, कठोर से कठोर कर्म होंगे वह भी कचरे लगेंगे, आत्मा से बंधे हुए उसके पाप कर्म कट जाएंगे। इनमें से यदि कोई भेजना कार्यक्रम है, यानी कि शरीर को कष्ट देने वाला कर्म है, वह भी कट जाएगा और वह इंसान सदगति को प्राप्त होगा, उसका जीवन सुंदर हो जाएगा। लेकिन थी किसी के स्थान पर कोई व्यक्ति व्रत रहता है यह सोचकर कि वह शरीर को स्वस्थ कर लेगा, तो दोस्तों पहली बात तो यह कि वह इंसान अपने व्रत को पूरा ही नहीं कर पाएगा, उसका खंडित हो जाएगा। दूसरा कि उसके इस व्रत का ना तो उसे कोई आध्यात्मिकता फायदा होगा और ना ही उसकी आत्मा से कोई भी बंधन कटेगा, बल्कि आत्मा पर नए बंधन अवश्य बंध जाएंगे, जिसके लिए उसे आगे अपने जीवन में कुछ और कर्म करके उस बंधनों का। जी हां दोस्तों, अब इसमें ईश्वर की भक्ति और कृपा और आशीर्वाद की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर से तो इस दूसरे वाले इंसान का कोई लेना देना ही नहीं है। तो दोस्तों, आपकी महिमा बहुत बड़ी है, विश्वास की महिमा बहुत बड़ी है, अगर आप भाव करेंगे तो पत्थर में भी भगवान जागृत हो जाएंगे, स्वयं आपके सामने प्रकट भी हो सकते हैं, और यदि आपका भाव निर्मल है, दो जहां भगवान है वहां पर भी आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, आपने श्री रामायण जी की चौपाई तो सुनी ही होगी,
जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यानी जैसी जिसकी भावना वैसे ही प्रभु श्री राम के लोगों ने दर्शन किए। किसी को केवल राजकुमार दिखाई दिए, किसी को बनवासी दिखाई दिए और किसी को भगवान श्री हरि विष्णु दिखाई दिए। इतना सब आपको बताने का दोस्तों, हमारा लक्ष्य केवल इतना है, आपकी भावना ही आपके जीवन का उद्धार करेगी। हम तो केवल मार्गदर्शक हैं, आपको रास्ता दिखा रही है, चलना चलना आपका काम है। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए इन तीन लोगों के बारे में और उन्होंने आपके ऊपर जो किया कराया है, यानी आपकी जिंदगी को बर्बाद करने का दावा करने का, यहां तक कि आपके अस्तित्व को मिटा देने तक का किया कराया है, उसके संकेत क्या है, लक्षण क्या है, कि पहले तो आपको यही यकीन दिलाना आवश्यक है कि आपके ऊपर इसी प्रकार की भयानक तांत्रिक क्रिया हो चुकी है। तो अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहला संकेत यह है कि आपके घर में अचानक बिल्ली, सांप, उल्लू, चमगादड़, हमरा आदि घूमते हुए दिखाई देने लगेंगे। पहले जानवर आपके घर में दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से यह जानवर अक्सर आपके घर में घूमते दिखाई दे जाते हैं। आपने भी एक दो बार मन में यह विचार अवश्य किया है, जानवर आपके घर में क्यों आने लगे हैं, अब सारे जानवर आपके घर में नहीं आएंगे। दोस्तों, इनमें से एक आध जानवर ही अचानक से आपके घर में घूमता फिरता दिखाई देगा, यह तांत्रिक क्रिया का स्पष्ट प्रमाण है। दोस्तों, कुछ और भी प्रमाण है, इन्हें ध्यान से आप सुनिए। दूसरा दोस्त को अचानक से भूख लगती है, भूख का चाहे समय हो या ना हो, लेकिन आपको अचानक से भूख लगती है। लेकिन जब आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तो आपका मन खाने से तुरंत हट जाता है, यानी कि फिर खाना खाने की इच्छा ही आपकी मर जाती है। जी हां दोस्तों, यह आपके मन का बंधन है, आपको सीधे प्रहार किया गया है ताकि आपकी आत्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति कमजोर होने लगे। अब यह है कि आप पूजा पाटिया धार्मिक क्रिया में शामिल होने का ऐलान करते हैं, लेकिन वह पूरा नहीं हो पाता है। दूसरा यह है कि आप अपने घर के मंदिर में जाने की पूजा घर में पूजा करने के लिए बैठते हैं, लेकिन अभी इसमें किसी प्रकार का विवाद होने काहे शोर शराबा होने लगता है, कुछ नहीं तो बच्चे ही रोना प्रारंभ कर देते हैं। जी हां दोस्तों, आप दीपक भी जलाते हैं, बड़ी मुश्किल से वह दीपक जलता है और कभी कभी पूजा के दौरान अचानक दीपक बुझ भी जाता है। एक और प्रमाण दीपक से ही मिलता है। दोस्तों, से पहले जहां दीपक सामान्य तौर पर चला करता था, अब उस दीपक की बाती में से कुछ ज्यादा ही काला धुआं ऊपर की ओर उठता दिखाई देगा। यह भी प्रमाण है, क्योंकि इस तांत्रिक क्रिया से आपकी आध्यात्मिक शक्ति बांध दी गई है, अब दैवीय कृपा आपके ऊपर नहीं आ पाएगी। अगला संकेत यह है कि आपके घर में एक के बाद एक लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे, तभी आप स्वयं भी बीमार होंगे, तभी कोई और इंसान बीमार होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि घर का कोई एक सदस्य लगातार बीमार रहने लगेगा और बीमारी का भी कुछ पता नहीं चलेगा। डॉक्टर खूब चेकअप करेगा, टेस्ट करेगा, लेकिन उसमें कोई बीमारी नहीं निकलेगी और लगातार बीमारी से आपका मन खराब, मैं नहीं लगेगा, घर का माहौल भी नकारात्मक होने लगेगा। यदि आपके घर में किसी प्रकार का कोई पालतू जानवर है तो उसके ऊपर भी यह नकारात्मक छाया बहुत बुरा प्रभाव डालेगी। दोस्तों, जैसे कि आपके घर में आपने कुत्ता पाल रखा है या फिर गाय भैंस बकरी वगैरह है, तो ये भी खाना खाना छोड़ देंगे और एक जगह मेरा और उदास से दिखाई देंगे, यानी कि इनके मन में उत्साह जो पहले आपको दिखाई देता था वह बंद हो जाएगा। कुत्ता भौंकना बंद कर देगा, जानवर खाना खाना कम कर देगा या बंद कर देगा, यदि दुधारू जानवर है जो दूध देना बंद कर देगा या फिर कम कर देगा, यानी कि कुछ न कुछ ऐसी हरकतें अवश्य करेगा। आप बड़े आराम से लूट कर सकते हैं और आपके मन में शक अवश्य पैदा होगा कि अचानक से क्या हो गया है, ये कुत्ता पहले बहुत भागता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं बोलता है, जानवर अच्छा दूध देता था लेकिन अब तो बहुत कम हो गया है, कुछ इस प्रकार की क्रियाएं होनी शुरू हो जाएंगे और आगे चलकर यह जानवर बीमार रहना शुरू कर देंगे। ये दोस्तों खाने बिल्कुल भी इनका मन नहीं लगेगा, आप खाना इनके सामने रखेंगे लेकिन ये खाने को खाएंगे भी नहीं और लगातार इनका मन उदास रहने लगेगा और बीमार होते चले जाएंगे। जी हां दोस्तों, और यही हाल हाल घर में रहने वाली हरे पौधों का होता है, तो उस तो आपने निश्चित तौर पर
अपने घर में कुछ हरे पौधे लगाए हुए हैं तो आप देखें कि उन हरे पौधों में एक एक करके पत्तियां मरने लगी हैं, हल्के हल्के सूखने लगी है। खास तौर से तुलसी का पौधा तो खास तौर से नकारात्मक ऊर्जा को बहुत ही जल्दी पहचान कर प्रतिक्रिया देने के लिए मशहूर है। तो आप देखें कि पहले से ज्यादा तुलसी की पत्तियां सूखने लगी हैं और पौधा भी धीरे धीरे मुरझाने लगा है। यह भी स्पष्ट प्रमाण है कि तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर भयंकर तरीके से तांडव मचा रही है। अब आपके घर में कुछ बड़ा अनिष्ट अवश्य ही होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, कई छोटे छोटे और भी संकेत हैं, जैसे कि रात में नींद अचानक खुल जाना और ऐसा एहसास होना कि जैसे किसी ने आपके ही नाम से बुलाया है। साथ ही साथ दोस्तों यह भी होगा कि नहीं, यदि आपको बहुत मुश्किल से आएगी और यदि आएगी भी तो अचानक ही खुल जाया करेगी। डरावने सपने भी आया करेंगे और मन में बेचैनी बिरहा करेगी। एक बार नींद खुल गई तो उसके बाद दोबारा अपन अब बहुत अधिक मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों ऐसा भी होगा कि आपको निर्णय लेने में बहुत परेशानी होगी। आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय सही साबित नहीं होगा, एक गलती बनकर बाहर आएगा और आपके द्वारा केवल और केवल नुकसान ही होगा दोस्तों। मन में हमेशा आपकी बेचैनी का एहसास रहेगा और इसी बेचैनी के चक्कर में आप हमेशा लाएंगे, क्रोधित रहेंगे, छेड़छाड़ आएंगे। इसके वजह से आपके अपने ही आप से परेशान हो जाएंगे और आपके साथ काम करने से मना कर देंगे, आपके बनते हुए काम ही बिगड़ने शुरू हो जाएगी दोस्तों। अब यह सब तो संकेत है, आपको पहचानना होगा, पकड़ना होगा। अब हो सकता है कि इनमें से कुछ संकेत ऊपर नीचे हो जाए तो जिन्हें आप पकड़ ही ना पाए, पहचान ही ना पाए, या फिर कुछ संकेत में आप सको कि यह सामान्य क्रियाएं भी हो सकती है तो कोई बात नहीं है दोस्तों। अब हम आपको पता नहीं जा रहे हैं कुछ ऐसी क्रियाएं जिनको आप आजमा सकते हैं, फिर आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कालिया की गई है या नहीं की गई है। बड़े आराम से आपको इस बात का एहसास हो जाएगा, पता चल जाएगा। पूरी गारंटी के साथ तो हम 12 क्रियाएं आपको बताने जा रहे हैं। वैसे तो बहुत है, लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो सामान्य हैं, जिन्हें हर इंसान आजमा सकता है, वही हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्त। तो अब ध्यान से सुने। पहला उपाय यह है कि आपको एक लोटा जल लेना है और रात को सोते समय वह जल आपको अपने सिरहाने रखकर सोना, यानी अपने पलंग के नीचे रखना है और जहां आप सिर करेंगे उसी तरफ रख के सोना है और अपने आराध्य से, जिनकी आप पूजा करते हैं, मन ही मन यह प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है तो वह जल में समाहित हो जाए। बस आपको यह केसु जाना है, उसके बाद जब आप दूसरे दिन जागे तो वह जल किसी एक पौधे में डाल दे, ऐसा आपको 3 दिन करना है बस, और फिर आप देखेंगे कि अगले 4 से 5 दिनों में वह पौधा सूख जाएगा। यदि ऐसा होता है तो आपको यह पुख्ता प्रमाण मिल गया कि आपके ऊपर भयंकर नकारात्मक काली क्रिया का साया है। अब दूसरा प्रयोग सुनिए दोस्तों। आप दूसरे प्रयोग में एक गिलास में जल ले गए और उसमें एक चम्मच नमक भूलने के, और उस नमक भूले हुए जल को आपको अपने घर में या आप जहां सोते हैं अपने बेडरूम में दक्षिण दिशा की ओर रखना है। दक्षिण दिशा की ओर उसे रखकर आपको छोड़ देना है। आप देखेंगे कि 24 से 48 घंटों में वह जल हल्का काला सा हो जाएगा और उसमें से बदबू भी आ सकती है, यानी कि समय से पहले वह जल दूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यह प्रमाण होगा कि नकारात्मक शक्ति आपके घर में घूम रही है आपके ऊपर उसका। इसी प्रकार का तीसरा प्रयोग भी आप करके देख सकते हैं कि आपके घर में जल नींबू है तो आप उसमें से एक ताजा नहीं बोलेंगे और रात को सोते समय उसने उनको अपनी तकिए के नीचे रखकर सोएंगे। दोस्तों के मन में वही आप प्रार्थना करेंगे, अपने आराध्य श्री प्रभु जो भी नकारात्मक शक्ति हो वह इस युग में समाहित हो जाए, तो आप देखेंगे कि 1 या 2 दिन ही आप उसने बुक अपने तकिए के नीचे रखेंगे, लेकिन फिर बाद में देखने में आपको ऐसा लगेगा कि यह नहीं भूख लगभग 10 से 15 दिन पुराना है। यह दोस्त वह बुरी तरह से मुरझा जाएगा, मालूम हो जाएगा, जो कि नकारात्मक शक्ति के होने का प्रमाण है। साथ ही साथ आप कुछ चीजें और भी ध्यान दें कि क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपके घर में नींबू, सिंदूर, राई, यह किसी प्रकार की कोई हड्डी, झापांक या फिर बालों का गुच्छा आपके घर में
या आपके दरवाजे पर या फिर आपके घर के आसपास ही आपके कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं आपको इनमें से कोई भी चीज देखने को मिली है तो आप समझ लें कि किसी ने किसी प्रकार की या आपके ऊपर कर दी है, आपके चेहरे का रंग भी पीला पड़ जाएगा। तांत्रिक क्रिया जितनी प्रबल होगी उतना ही आपका चेहरा पीला पता चला जाएगा और दिन प्रतिदिन आपको कमजोरी का एहसास बढ़ता चला जाएगा। चाहे कितना ही अच्छा खाना खा लीजिए, चाहे कितना ही सावधानी से रहिए, तब भी आप बीमार हो जाएंगे और तब भी आपका कमजोरी का स्वभाव बढ़ता चला जाएगा। इन सब बातों से आपको यह पता चल गया आपके ऊपर क्रियाएं की गई हैं या दोस्त, जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि जब आपको प्रमाण मिल जाएगा तो फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि हां भैया की गई है तो फिर इनसे बचने के उपाय करने में भी आनंद आएगा। विश्वास के साथ ही आनंद उत्पन्न होता है। अब सबसे पहले आपको यह करना है कि आपको अपने घर को शुद्ध करना है और आपको अपनी ऊपर से उतारा करना है। दोस्तों दो कार्य करनी है तो घर को शुद्ध करने के लिए सबसे सरल प्रक्रिया यह है कि आपको शाम के समय अपने घर में एक कोने में गंगा जल का छिड़काव करना है। साथ ही साथ यदि संभव हो तो अपने घर के दरवाजे पर यानी कि मुख्य दरवाजे के बीचों बीच गाय के गोबर से ले बंद करने के बाद एक चौक बनाकर गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ एक छोटा सा कार्य और भी है जो आपको करना है कि आपने घर के ब्रह्मस्थान में यानी कि आंगन के बीचों बीच एक कटोरी में कपूर और लोबान शाम के समय प्रचलित करना है। जी हां दोस्तों, आपको यह क्रिया 4 से 5 दिनों तक लगातार करनी होगी। दोस्तों यदि आप इस क्रिया को दोहराते रहेंगे तो आपके घर का नकारात्मक बात आवरण बदलने लगेगा, सकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में प्रवेश करने लगेंगे, लेकिन अभी आप स्वयं अंतरक्रिया से मुक्त नहीं हो पाए। दोस्तों तो आपको अब अपना स्वयं का उतारा करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। इसके लिए आपको चाहिए एक नींबू सेवन लोग हैं, एक मुट्ठी राय और लाल सिंदूर। अब आप शुभ रात्रि को 12 बजे के आसपास यानी आधी रात को यह करना होगा। आपको नींबू को बीच में से काटना है और 7 लोग हैं उसमें दवा देनी है। क्या लिखे उस नींबू में गाड़ने के बाद उस नींबू को पूरा है बंद कर देना है और उसके ऊपर लाल रंग का धागा लपेट देना है और रात्रि के समय आप अपने सिर से 7 बार इस नींबू को उल्टा घुमाना है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, जिसको इससे उतारा होता है और इस सामग्री को लेकर आपको किसी तिराहे पर जाना है। ये दोस्तों किसी तिराहे पर जाना है और वहां जाकर आपको यह सामग्री छोड़ देनी है और जब आप वहां पर इस नींबू को छोड़ेंगे तो उस पर लाल सिंदूर का तिलक कर देंगे। साथ ही साथ मन में जब आप इस क्रिया को करते रहेंगे उस समय मन में जॉब करेंगे क्लीम मंत्र का। ये दोस्तों ओम क्लीम 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 जय मान काली का मंत्र। ईमान ईमान इस बात को प्रार्थना करेंगे कि आपके ऊपर जो भी खाली क्रिया की गई है, तांत्रिक क्रिया की गई है, उस क्रिया की काट हो जाए। आपको इस सामग्री को किसी तिराहे के बीचों बीच छोड़ देना है आधी रात के समय और उसके बाद आप उसी थे वापस आ जाना है और वापस आने के बाद तो याद रखना है कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है और अपने घर में प्रवेश करने के बाद सीधे आपको स्नान करना है। दोस्तों स्नान करने के बाद ही आप अपने घर में आएंगे या नहीं, अपने बेडरूम में आएंगे, अपने घर में इधर उधर घूमने के इतना करने से दोस्तों आपका उतारा हो जाएगा। अगले दिन आपको मंदिर जाना है, इसीलिए मंदिर आप जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि मां भद्रकाली का मंदिर है या फिर हनुमान जी का मंदिर है तो सर्वोत्तम है और उस मंदिर में जाकर आपको अपनी क्षमता के अनुसार दान करना है। जी हां दोस्तों, रुपए पैसे का दान आपको करना है तब यह उपाय पूरा होगा, आपके ऊपर से पूर्ण रूप से उतारा हो जाएगा, यानी कोई भी आपके ऊपर चिड़िया की गई है, काली क्रिया की गई है, उससे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब दान का मतलब दोस्तों यह नहीं कि आप बहुत भारी रकम दान करें, आपकी जितनी क्षमता है RS 10 RS 5 आपको दान करना है। दोस्तों यह बहुत ही आवश्यक है। अब इसके बाद आपको जिस दिन आप ये क्रिया करेंगे यानी मंदिर जाएंगे, दान करेंगे, रुपए का दान करेंगे, उसी रात्रि को 9:26 बजे से आपको एक मंत्र हम दे रहे हैं, उस मंत्र की एक माला जाप करनी है, संकल्प लेकर जाप करना है और कम से कम आपको 21 दिनों तक यह जाप करना होगा। दोस्तों इससे होगा यह है कि आपके आसपास हमेशा हमेशा के लिए
एक रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। दोस्तों, याद रखना है कि किसी भी तांत्रिक क्रिया की काट करने के लिए आपको किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना है। कृपया तांत्रिक के पास जाएंगे तो वह अपनी काली शक्तियों से उस काली शक्ति को तो हटा देगा, लेकिन अन्य काली शक्तियों का आपके जीवन में प्रवेश होने का रास्ता बना देगा। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा जो लोग तांत्रिक ऊपर भरोसा करते हैं, उनके घर से तांत्रिक कभी नहीं मिट जाने की, जीवन भर उनके घर तांत्रिकों का आना जाना लगा रहता है। झाड़ फूंक करने वाले आते जाते रहते हैं और तकलीफ में भी उनकी कभी समाप्त नहीं होती है, जीवन भर तकलीफ है, बनी रहती है। तो आप किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना है, अन्यथा आप एक गड्ढा भरने के लिए दूसरा गड्ढा खोद देंगे। सुख आपको करना क्या है? दोस्तों, आप यकीन मानिए कि कई ऐसी दैवीय शक्तियां हैं जो बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रिया की काट कर सकती हैं, और तांत्रिक भी इन्हें नकारात्मक रूप से सिद्ध करने के बाद में प्रयोग करते हैं। कई अन्य प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को सिद्ध कर लेते, कुछ दैवीय शक्तियों को सिद्ध करके भी दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर उनकी बहुत दुर्गति होती है, वह बहुत ही भयानक दुर्गति को प्राप्त होते हैं। खैर, यह बातें छोड़ो, अब हम आपको बताएं कि आपको क्या करना है। तो आप उग्र दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना है अपने आसपास रक्षा कवच निर्माण करने के लिए, और आपने ऊपर की गई तांत्रिक क्रिया की काट करने के लिए। तो दोस्तों, ध्यान से, भयानक तांत्रिक क्रिया की काट करने के लिए मां बगलामुखी से बेहतर कोई भी उपचार नहीं है। या दोस्तों, मां बगलामुखी को स्तंभन की देवी कहा जाता है और ब्रह्मास्त्र विद्या के नाम से मशहूर है, और जितने भी माता बगलामुखी के स्थान है वहां कई प्रकार के तांत्रिक और सिद्ध शक्तियां जाते हैं अपनी तरह तरह की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। तो आपको भी मां बगलामुखी का मंत्र 108 यानी एक माला जाप करना होगा। मंत्र लंबा है, चिस श्री मंत्र है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। 21 दिन तक आपने यदि जॉब कर लिया, दोस्तों, न केवल आपके ऊपर से किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया होगी, वह कट जाएगी, बल्कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण होनी शुरू हो जाएगी। तो अब ध्यान से सुनिए, कौन सा है वह मंत्र, फिर हम आपको इसको जाप करने की प्रक्रिया समझाएंगे। तो सबसे पहले मंत्र देखिए, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे, ओम हीम बगलामुखी सर्व दुष्ट आनापाचम अकंपदम स्तंभ है, जीवन की लाइन, विनाशक फिल्म, ओम स्वाहा मंत्र है। आपको नोट कर लेना है और इसे याद कर लेना है, इसी मंत्र का आपको जाप करना है। तो स्तोत्र मंत्र एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, ओम हीम बगलामुखी सर्व, दूसरा नाम भूकंप कदम स्तंभ है, जीवन की ले उद्यमी न सलीम, ओम स्वाहा दोस्तों को किस करेंगे और आपकी और बड़ी वाली कदमों को वहीं के वहीं रोक देंगे। माता की स्थिति बहुत आभार है, आपको बस इस मंत्र को एक बार प्रयोग करके देखना है, फिर इसके फायदे आप खुद ही हमें कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों, जी हां दोस्तों, अब इस मंत्र का जाप करने का विधान सूर्य। दोस्तों, यदि आपके घर में माता बगलामुखी की फोटो है, मूर्ति है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसे आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप एक दीपक जला सकते हैं, गाय के घी का दीपक जलाना है दोस्तों, और दीपक को आपको पीतल के दिए में ही जलाना है दोस्तों, किसी अन्य प्रकार के दिए में नहीं। अब आप दीपक जलाएंगे, उसे मां बगलामुखी का प्रतीक मानकर ही उचित करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं, हल्दी की माला का प्रयोग करना है, पीले रंग का आसन और पीले रंग का प्रसाद ही माता को अर्पित करना है। बस इतना सा आपको करना है, और थोड़ी सी आपको सावधानी भी रखनी होगी, कुछ संस्कार भी मान्य होंगे, जैसे कि आपको सात्विकता का पालन करना होगा, जुआ शराब और अन्य प्रकार की नकारात्मक गतिविधियों से दूर होना होगा, और हो सके तो आपको जमीन पर ही चयन करना होगा, यानी कि जमीन पर ही लिखना होगा। यदि हो सके तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, तो बस आप इस मंत्र का 21 दिनों तक जाप करें। जाप करने से पहले संकल्प अवश्य लें, संकल्प लेने के बाद जल छोड़े, उसके बाद आप जाप करें, आप देखेंगे कि चमत्कार हो जाएगा, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप 21 दिनों तक यह उपाय करेंगे, उससे पहले ही आप इसके परिणाम देखने शुरू हो जाएगी। दूसरे या तीसरे दिन से ही, तीसरे दिन से तो निश्चित तौर पर दोस्तों, आपको इसके सिद्ध परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, नकारात्मकता दूर हटने लगे,
कि जो कि आप तो स्पष्ट दिखाई देंगी, साथ ही साथ आपको शुभ फल प्राप्त होने से रुक जाएंगे। आप एक कोशिश करेंगे और आपको 10 तरह के लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों से ये हम नहीं कह रहे हैं, बगलामुखी की साधना बताते हैं जिन्होंने उपाय किए हैं, वह खुद बताते हैं। दोस्तों, हमने यह मंत्र जिस जिस को बताया है उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया है और उससे वह सब भी प्राप्त हुआ जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना भी नहीं की थी। ये दोस्तों इतना शक्तिशाली मानता है तो आप इस मंत्र का जाप करें। उम्मीद है कि जो हम जानकारी आपको दी है वह आपको समझ में आ चुकी होगी। इस जानकारी का प्रयोग आपको करना है और अपने ऊपर की गई किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की खाट करती नहीं है तो उसको, तभी आपका जीवन सुंदर और सरल होगा। वीडियो जरूरत से ज्यादा लंबा हो चुका है। दोस्तों, यहां तक यदि आप आ चुके हैं तो आपसे फिर से हम निवेदन करेंगे कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखें, जय मां बगलामुखी अवश्य लिखें, साथ ही साथ रक्षा करो भी अवश्य लिखें। मां बगलामुखी निश्चित तौर पर आपकी हर एक पुकार को सुनेंगे और आपके जीवन को बदल डालेंगे। यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछे, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटे का निशान है उसे अवश्य। बाद में मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। अकेले धन्यवाद।